लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बॉस का हुक्म है कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन घबराओ मत, मैं ये जुल्म नहीं करूंगा। जितनी जल्दी हो सके इस गाड़ी में बैठकर निकल जाओ, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। मौत के डर से तो गाड़ी में बैठ गई, पर यही गाड़ी तुझे सीधी मौत के मुंह में ले जाएगी। आओ लोबो, आओ। काम हो गया? बॉस के कहने के मुताबिक गाड़ी की ब्रेक्स फेल करके गीता को गाड़ी में बिठा दिया। शाबाश, आज तो हर तरफ से खुशखबरी मिल रही है। लोबो, इनसे मिलो। ये है सरकारी डॉक्टर कालिदास। मेरे लिए क्या हुक्म है? हाँ गणेश जी, आज शाम को कब्रिस्तान में एक लाश दफनाई गई है। उस लाश को कब्र में से निकालो और उसकी पॉकेट में ये आइडेंटिटी कार्ड डाल दो। ठीक है, मगर उस लाश को सड़क पे भिगवा के चेहरा बुरी तरह कुचलवा देना, ताकि पहचाने में ना आए कि किसकी लाश है। वैसा ही एक्सीडेंट, वैसी ही लाश। मोटर और लॉरियों के एक्सीडेंट होते हैं और मरने वालों के सिर्फ चेहरे कुचले जाते हैं। पिछले कई महीनों से ऐसी वारदातें हो रही हैं। वारदातें होती नहीं मिस्टर सक्सेना, की जाती हैं। इंश्योरेंस कंपनी से बड़े बड़े क्लेम लेने के लिए। तुम पुलिस वालों को तो लाशों का हिसाब करना आता है, लेकिन हम इंश्योरेंस वालों को उन लाशों का हिसाब चुकाना पड़ता है मिस्टर सक्सेना। चल कमीने, चल चल। इसे कहां से ले राजेश? कब्रिस्तान से, जहां ये एक ताजा लाश निकाल रहा था। कब्रिस्तान में तुम क्या कर रहे थे? जो मेरा काम है भैया, यहां जुर्म होता है वहां क्राइम रिपोर्टर का पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे पहुंचना तो पुलिस का भी जरूरी है भाई, लेकिन आमतौर पर देखा गया कि हर ऐसे मौके पर पब्लिक पहले पहुंच जाती है, पुलिस बाद में पहुंचती है। पता कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? अपनी माँ की कब्र पर आंसू बहाने गया था। गया था माँ की कब्र पर, लाश निकालाया बाप की, पता किसके लिए काम करता है? इसका काम है सिर्फ कब्रें खोदना। लेकिन इन लाशों के जो बड़े धंधेबाज हैं, वो तो अपनी गहरी कमाई के पर्दों के पीछे कानून की नजरों से दूर छुपे बैठे हैं। दुनिया में कोई भी जगह इतनी दूर नहीं जहां कानून के लंबे हाथ न पहुंच सके, और कोई भी पर्दा इतना मजबूत नहीं जिसे कानून की तलवार न चीर सके। इंस्पेक्टर सावंत, ले चलो इसे अपने खास कमरे में। कुछ नहीं मालूम, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर सक्सेना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हवालात में मुजरिम को मारना पीटना कानूनन जुर्म है। मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, एक इंस्पेक्टर का फर्ज निभा रहा हूं। इन पत्थर के होठों से सच बुलवाने का एक ही तरीका है, हथौड़ों की चोट पहुंचाई जाए। सच जो झूठ का फैसला हवालात के बजाय अगर खुली अदालत में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके इन्हीं नारों ने पुलिस के हाथों को कमजोर बना दिया है और मुजरिमों के हौसलों में फौलाद भर दिया है। इन नारों को अगर यहीं न रोक दिया गया तो कानून की बुनियाद में घुन लग जाएगा और इंसाफ की इमारत रेत के ढेर की तरह बिखर जाएगी। और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ इंस्पेक्टर सक्सेना,
कि अगर तुमने अपने पागलपन को लगाम नहीं दी और ये कैदी यहाँ मर गया तो किसी और हवालात में कोई और इंस्पेक्टर तुम पे डंडे बरसाकर सवाल करेगा कि तुमने जुर्म क्यों किया और किस लिए किया। रिमेम्बर, जब मुझसे ये पूछा जाएगा तो उसका जवाब मैं दे दूंगा। कुछ नहीं होगा कालिदास, लाशों की तिजारत करने वाले अगर अपने साए से ही डरने लगे तो उन्हें कोई दूसरा बाजार ढूंढ लेना चाहिए अपने रोजगार के लिए। गणेश जो है ना, वो हमारे लिए मौत का साया बन सकता है। दीवान साहब, कालिदास, जब सूरज डूबता है तो दुनिया के तमाम साए खुद ब खुद अंधेरे की चादर ओढ़ लेते हैं। तुम यकीन रखो कि ये गणेश अपनी कहानी और हमारी दास्तान सुनाने के लिए कल जिंदा नहीं रहेगा। चलो, कौन हो तुम? बारबरा साहब, कैदी लोगों के लिए खाना लेके आया साहब। तुम्हारा चेहरा कुछ नया? जी हाँ, नया नया नौकरी पे आया साहब। ठीक है, जाओ। जी से छुटकारा दिलाओ दीवान। तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए ही तो आया हूं। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वो बार वाला कान? मैं यहां हूं साहब। तुम तो परसों तुम्हारी सालगिरह है। तुमसे कितनी उम्मीदें बंधी हैं ये तुम्हें क्या मालूम, और नीना भी क्या जाने। काश कि वो तुम्हारी सुन लेती और इस सालगिरह पर सिंगापुर से कुछ रोज के लिए यहां चली आती। माने ना माने, ये सब झूठ है। सौतेला भाई तो मैं भी आपका हूं, जैसे राम लक्ष्मण का सौतेला भाई था। ये तुम समझते हो, वो नहीं, वो जिस पर हम अपनी जान देते हैं राजेश। काश नीना कुछ लम्हों के लिए भी आ जाए तो अपना सीना चीर कर हम उसे अपना प्यार दिखा दें। हेलो, हाँ मैं नीना बोल रही हूँ सिंगापुर से। Who's calling? राजेश, हाय, कैसे हो? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा तार भी मिल गया और इनविटेशन कार्ड भी मिल गया। तुम आ रही हो ना नीना मेरे सालगिरह पर? और 21वां साल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि उस साल के बाद माँ की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद की तुम अकेले वारिस हो जाओगे, और फिर तुम्हारे सौतेले भाई कैलाश की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम जिस कैद खाने की बात कर रही हो वो तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। खैर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं अपने सालगिरह के दिन शादी का ऐलान कर रहा हूँ, और साथ में लड़की की तस्वीर भी भेज दी है। तुम्हारी हो ना? तस्वीर मैंने देख ली है और तुम्हारी पसंद मुझे बेहद पसंद है। अब बाकी की बातें तुम दोनों से मिलकर होंगी। ओके, टेक केयर, बाय। हाँ, कितनी मरतबा कहा है आहिस्ता बोला करो, दीवारों के भी कान होते हैं। 009 हम गुलाटी खा गया ना। इसमें ऐसा बोलने की क्या बात है, खुशी की बात है। खुशी की बात है तो हम गम की मना रहे हैं। कम ऑन, लेट अस सेलिब्रेट दिस। आपका कुछ गिर गया तो उठा लीजिए। इन बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं आपको भी उठा सकता हूं। वैसे भी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि ये तमन्ना बड़ी महंगी पड़ेगी आपको। हम भी सस्ते सौदे के आदि नहीं। मोंटी हमेशा महंगी चीज पर ही हाथ मारता है। बदतमीज, छोड़ मेरा हाथ। नहीं, मेरी जान नहीं, इतनी आसानी से नहीं। छोड़।
मिस्टर डिस्को, छोड़ दो इसको। ये पीछे तकलीफ है किसको? शराफत से छोड़ दो इन्हें। बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी देख रहा हूं। हमारी बदतमीजी तो देख ली, अब जरा तुम्हारी हमदर्दी भी देखें। किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर आप मौजूद ना होते तो वो कमीना मुझे। हाँ, कमीनों का नाम नहीं लिया करते, ज़बान गंदी हो जाती है। आप सिंगापुर में कब से हैं? एक महीने से। बिजनेस? जी नहीं, तलाश अपनी बहन की। कहीं खो गई है? यूं समझ लीजिए, 2 महीने पहले भाई से चोरी अपनी पसंद के लड़के से शादी करके सिंगापुर चली आई। वो शादी करके सिंगापुर ही चली आई, ये आपको कैसे पता चला? मेरे एक जानने वाले ने इस डिस्को क्लब में उसे अपने पति के साथ देखा था और तस्वीर खींच ली थी। आप यहाँ अक्सर आती जाती हैं? हाँ, तकरीबन रोज। तो शायद आपने उसे देखा होगा। ये जो बैठी है, यह है मेरी बहन गीता। नहीं, मैंने तो इन्हें नहीं देखा। रोज साशा का दिया जलाकर यहां आता हूं कि शायद मेरी बहन मिल जाए, और निराशा के अंधेरे में भटककर वापस लौट जाता हूं। आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं? प्यार? प्यार इतना कि बहन के होंठों पर अगर सिसकी भी आ जाती थी तो इस भाई की जान निकल जाती थी।